गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास फोर में इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर राजाओं के बारे में सुना होगा, तो चलिए हम वही राजाओं के बारे में चैप्टर वन द जस्ट रूलर के बारे में हम लोग सुने। तो जस्ट रूलर क्या है? एक न्याय शासक थे जो अपने राजसिंहासन एवं राज दरबारियों को बहुत धैर्य और बुद्धिमानी से चलाते थे। वे बहुत ही ज्ञानशील एवं ताकतवर थे। उनका व्यवहार लोगों के साथ बहुत ही अच्छा एवं न्यायसंगत था। वे गरीबों को बहुत प्यार करते थे और पूरी जनता राजा का आदर एवं सम्मान करते थे। एक दिन ईश्वर ने उनकी सुनी, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और देखो तुरंत एकाएक एक राजा के पास एक कबूतर उड़ता हुआ आया। वह बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि एक ईगल जिसको हम बाज पक्षी कहते हैं उसका पीछा कर रहा था। और राजा ने कबूतर को देखा और अपने गोद में शरण दी। तब बाज पक्षी राजा से गुस्सा होकर बोल उठा, क्यों आप मुझे भोजन करने से वंचित कर रहे हैं? तो राजा ने कहा, मैं कबूतर को बचाना चाहता हूँ। और उसने कहा, कबूतर के बदले जो कुछ तुम मांगो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बाज पक्षी ने राजा से कहता है, मुझे आपकी बराबरी मात्रा जैसे मांस चाहिए। तो राजा बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने एक नौकर को तुरंत तराजू लाने के लिए बोलते हैं और तराजू में एक तरफ कबूतर को रखते हैं और एक तरफ राजा अपने दाहिने साइड का शरीर रखते हैं। तो जब एक तराजू से तौला जाता है तो एक कबूतर का वजन बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक और अधिक होते जाता है। तो इस तरह दोनों तरफ जब हम लोग देखते हैं तो कुछ तौला नहीं जा सकता है। तो राजा बहुत ही चिंतित और उदास में वे फुट फुट कर रोने लगते हैं। तब जो बाज पक्षी हैं वो समझ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी परीक्षा से बहुत ही खुश हूँ। तो इस तरह राजा का परीक्षा दिया गया। इस प्रकार दोनों वचनों को तौला भी नहीं जा सका और राजा लेकर बहुत ही दुखित थे और उनकी आंखों से आंसू वो टपकने लगे। तो चलिए हम चैप्टर वन द जस्ट रूलर के बारे में पढ़ें और समझें। इन द लेजेंड्स ऑफ महाराष्ट्र देर इज अ स्टोरी ऑफ ए किंग हु लव्ड द पुअर एंड द वीक। शिबे राणा वॉज ए पावरफुल रूलर। तो एक महाराष्ट्र की बात है, कहानी है राजा की, जो गरीबों और कमजोर हैं उनको बहुत प्यार करते थे। और उस राजा का नाम था शिबे राणा। वह बहुत ही ताकतदार शासक था। द पीपल लव्ड हिम एंड इवन वर्शिप्ड हिम। तो लोग उसे बहुत ही प्यार एवं सम्मान देते थे। द गॉड डिसाइडेड टू टेस्ट हिज जस्टिस। एक दिन क्या हुआ, ईश्वर ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे द किंग वॉज सीटेड ऑन हिज थ्रोन इन द कोर्ट। ऑल द कर्टियर्स वर सीटेड अराउंड हिम। एक दिन राजा अपने हॉल के सिंहासन पर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। Just then there flew in a frightened dove. It was being chased by a cruel eagle. तो वही समय एकाएक
एक डरा हुआ कबूतर जो निर्दयी बाज के द्वारा भगाया जा रहा था. When the eagle was about to catch it, the king took the dove and kept it on his lap to shelter it. तो जब राजा ने उस कबूतर को देखा तो उस पर दया आई और उस कबूतर को अपने गोद में उठा ली. The eagle was very angry. He shouted at the king, "How dare you deprive me of my prey?" तो ईगल जो बाज पक्षी बहुत ही गुस्से में राजा को चिल्ला कर कहने लगा कि क्यों आप मुझे भोजन खाने से वंचित कर रहे हैं. द किंग रिप्लाइड, आई एम द किंग ऑफ दिस रीजन एंड माई वर्क इज़ टू प्रोटेक्ट द वीक. तो इस पर राजा बोल उठते हैं कि मैं इस देश का शासक हूँ और मेरा काम है जो बहुत ही कमज़ोर है उनको बचाना. द डव इज मैन, इट हैज़ कम टू मी फॉर शेल्टर. तो ये जो कबूतर आया है वह मेरा है और मुझको बचाना मेरा काम है. इज दिस योर आइडिया ऑफ जस्टिस? यू हैव डिप्राइव मी ऑफ माई फूड, सेड द ईगल. तो ये बाज पक्षी राजा को बोलते हैं कि यह आपका आइडिया है, न्याय का न्याय संगत आइडिया है बोलते हैं. इफ इट इज फूड यू रिक्वायर, आई विल गिव यू एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ एनी अदर फूड योर नेम. तो इस पर राजा बाज पक्षी को बोलते हैं कि मैं कबूतर को खाने नहीं दूंगा, पर जो कुछ भी तुम मांगो वही देने के लिए तैयार हूँ. आई विल नॉट अलाउ यू टू किल द डव, सेड द किंग. राजा बोला कि मैं कबूतर को मारने नहीं दूंगा. एनी अदर फूड दैट आई नेम, आस्क्ड द विकेट ईगल. द किंग कंसेंटेड. तो इस पर ए दुष्ट बाज पक्षी बोल उठते हैं कि जो भी मैं भोजन मांगू आप तैयार हैं. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं. वेल देन आई वांट एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ योर ओन फ्लैश, सेड द ईगल. तो बाज पक्षी बोलते हैं ठीक है, मैं आपके बराबरी मात्र का फ्लैश जो मांस है मैं चाहता हूँ, बोलता है ईगल पक्षी. द कर्टियस वेर अलार्म्ड एट दिस, दे न्यू द किंग वुड कीप हिज वर्ड. तो पूरे दरबारियाँ ए राजदरबारियों ने बहुत ही चिंतित थे और वे जानते थे कि राजा अपने शब्द रखेंगे. द किंग ऑर्डर्ड ए सर्वेंट टू ब्रिंग द स्केल्स. The dove shall be weighed against my own flesh, and that flesh shall be given to you. तब राजा उसको आदेश देते हैं एक नौकर को स्केल लाने के लिए, जो एक तराजू होता है तौलने का तराजू, उसको लाने के लिए आदेश देते हैं. तो एक तरफ कबूतर को रखा गया और दूसरी तरफ अपना एक साइड का फ्लैश भी तौला गया. द ईगल वॉन्टेड द फ्लैश टू बी टेकन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी. द किंग अग्रीड टू दिस ऑल्सो. तो जो बाज पक्षी थी वो बहुत ही दुष्ट था. वह राजा का मांस भी चाहता था, अपने राइट साइड का शरीर का मांस. तो उसको भी राजा अग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं. द कर्टियस देन प्लेस्ड द डव इन द स्केल टू वे इट. अभी राजदरबारियों ने उस डव पक्षी और राजा के साइड का मांस को उस तराजू में रख लेते हैं. द बर्ड बिगैन टू वे मोर एंड मोर. द टू
Vedas could not be made equal. The king was sad, and a tear rolled down his left eye. तब क्या होता है, जब तौला गया तो कबूतर का वजन और भी बढ़ता गया और दोनों वजनों को तौला नहीं गया। तब राजा बहुत ही दुखित और उसके लेफ्ट आई से आंसू गिरने लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखें। स्टॉप स्टॉप क्राइड द ईगल, यू आर वीपिंग। तो यहाँ पर बाज पक्षी बोल उठते हैं, रुक जाओ, तुम रो रहे हो, बोलता है। आई एम नॉट वीपिंग फॉर माई सेल्फ, सेड द किंग। तब राजा बोल उठते हैं, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ। आई वीप फॉर द पुअर एंड वीक डाउ। तो इस पर राजा बोलते हैं कि मैं अपने लिए नहीं रोता हूँ, पर एक कमजोर कबूतर के लिए रो रहा हूँ। आई कैनॉट प्रोटेक्ट इट इवन विथ माई फ्लैश। तो मैं अपना मांस जो है उससे भी मैं एक कबूतर को बचा नहीं सका। टू द लास्ट पैराग्राफ। Suddenly the hole was filled with a dazzling light. अचानक उस होल में dazzling light, मतलब चकाचूंद या बहुत चमकीला light, उस रूम में भर गया। The eagle and the dove changed into their real forms of Indra and Agni. बाज पक्षी और कबूतर अपना असली रूप इंद्रा और अग्नि में बदल देते हैं। तो यहाँ इंद्रा हमें यही दर्शाता है कि एक भगवान है, हिंदू धर्म का भगवान है जिसको वे पूजा करते हैं। और अग्नि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ आग है। आग भी एक भगवान का चिन्ह है जिसको लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट लाइन। Before they disappeared, they said to the king, "O king, you have proved your worth." तो वहाँ से गायब होने के पहले इंदिरा अग्नि राजा से बोले, हे राजा, आपने काबिलियत साबित की, मतलब जो भी हमने आपको कार्य सौंपा वह सब कुछ आपने साबित की। यू आर ए जस्ट रूलर, ए प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द वीक। तुम एक न्यायी शासक हो, गरीब और कमजोर लोगों के रक्षक हो। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी उस राजा की तरह दूसरों को मदद करनी चाहिए, विशेषकर गरीबों के प्रति दया दिखानी चाहिए। समाप्त होता है। तो चलिए हम कठिन शब्दों का अर्थ देखें। फर्स्ट, पावरफुल रूलर मीन्स शक्तिशाली शासक। सेकंड, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया। थर्ड, जस्टिस means न्याय। Fourth, courteous means दरबारियों। Fifth, frightened means भयभीत हुआ। Sixth, chaste means पीछा किया। Seventh, cruel means निर्दय। Eighth, deprived means वंचित किया। Ninth, prey means शिकार। Tenth, shelter means आश्रय। 11th, protect means बचाना। 12th, equal quantity means बराबर मात्रा। 13th, wicked means दुष्ट। 14th, consented means राजी होना। 15th, alarmed means चिंतित। 16th, weigh means वजन। 17th, scales means तराजू। 18th,
dazzling light means chakachang prakash. Now let us go to the question answers. Why did the people love Shibi Rana? क्यों लोग शिबी राणा को प्यार करते थे? Answer: The people loved Shibi Rana because he loved the poor and the weak. लोग शिबी राणा को प्यार करते थे क्योंकि वह गरीबों एवं कमजोरियों को प्यार करते थे. Second: Who decided to test his justice? कौन उनका न्याय की परीक्षा लेने का निर्णय लिया? Answer: The God decided to test his justice. भगवान उनकी न्याय की परीक्षा लेने का निर्णय लिया. Third: Why did the dove fly into the hole? क्यों कबूतर होल में उड़ता हुआ आया? Answer: The dove flew into the hole because eagle was chasing her. कबूतर होल में उड़ता हुआ आया क्योंकि बाज उसका पीछा कर रहा था. Fourth: Who was chasing the dove? कौन कबूतर का पीछा कर रहा था? Answer: The cruel eagle was chasing the dove. दुष्ट बाज कबूतर का पीछा कर रहा था. Fifth: Why was the eagle angry with the king? बाज क्यों राजा के साथ गुस्से में था? Answer: The eagle was angry with the king because he was not giving him his prey. बाज राजा के साथ गुस्से में था क्योंकि वह बाज को उसके शिकार से वंचित कर दिया. Sixth: What did the king promise to give instead of the dove? राजा कबूतर के बदले क्या देने का वादा किया? Answer: The king promised to give him any other food instead of the dove. राजा कबूतर के बदले कोई और दूसरा भोजन देने का वादा किया. Seventh: What did the eagle ask the king? बाज ने राजा को क्या पूछा? Answer: The eagle asked the king any other food that I name. बाज ने राजा को पूछा जो कुछ भी भोजन जिसे मैं नाम लूं. Eighth: What happened when they weighed the dove? जब कबूतर को तौला गया तो क्या हुआ? Answer: When they weighed the dove, the bird began to weigh more and more than the king's flesh. जब कबूतर को तौला गया तो राजा का मांस से भी अधिक कबूतर का वजन और भी बढ़ता गया. Ninth: Why was the king sad? राजा क्यों उदास थे? Answer: The king was sad because he could not protect the dove even with his flesh. राजा उदास थे क्योंकि वह कबूतर को अपने मांस से भी नहीं बचा सका. Tenth: What did the dove and the eagle change into? कबूतर और बाज क्या रूप में बदल गए? Answer: The dove and the eagle changed into their real forms of Indra and Agni. कबूतर और बाज असली रूप इंद्रा और अग्नि में बदल गए. Dear students, आप इसमें आप इस क्वेश्चन आंसर को अपने नोट कॉपी में लिखें और पढ़ें.